हाय गाइस, दिस इज कोमल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है वेडिंग स्पेशल पार्ट टू, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेडी टू वियर लहंगा चोली फ्रॉम द मिंत्रा। पार्ट वन में मैंने आपके साथ शेयर किया था अनुप ब्रांड से, वो भी मिंत्रा से था, रेडी टू वियर लहंगा चोली। इन द केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई कार्ड में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बाय द वे, आज के वीडियो में जो दो लहंगा चोली है वो मुझे कल ही रिसीव हुए हैं और मैंने सोचा कि फटाफट से वीडियो बना देती हूँ ताकि जो भी स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले जो लहंगा मैंने ऑर्डर किया है वो कुछ इस तरह से सेरा ब्रांड से है और इसका जो प्राइस है वो है 1647 रुपीज आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस में। और ये कुछ इस तरह से, इसमें मेरी साइज है वो है स्मॉल साइज, यानी कि 30 वेस्ट से हिसाब से है। और ये कुछ इस तरह का इसका लहंगा है, ये प्योर कॉटन फैब्रिक है और उस पर आपको इस तरह से फॉइल प्रिंट मिल जाती है। पूरे लहंगे में कॉटन फैब्रिक है, इसकी वजह से ये बहुत ही लाइट वेट है और साथ में ये बहुत ही कंफर्टेबल है फैब्रिक वाइज। बट इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस पर इस तरह से फॉइल प्रिंट दी गई है पूरे फ्लावर की। और इसका जो फ्लेयर है वो भी काफी अच्छा फुल फ्लेयर है, फ्लेयर के हिसाब से भी बहुत परफेक्ट है। बट इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा इनर नहीं दिया गया है, एक इनर दिया गया है जो कुछ इस तरह से व्हाइट कलर का है। बट ये आपको फुल जो स्कर्ट होता है लहंगा उसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ इतने पोर्शन में ही आपको ये उसका जो इनर है वो दिया गया है, इतने पोर्शन में ही वो इनर दिया गया है, नीचे की सेक्शन पे वो नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, ओवरऑल फैब्रिक एंड उसके वाइज बहुत अच्छा है बट इनर वाइज में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसके साथ हमें मिलता है कुछ इस तरह का इसका ब्लाउज, जो कि ये स्लीवलेस है, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्लीव्स नहीं दी गई है, कुछ इस तरह से स्टैंडनिक मिल जाता है और फ्रंट में कुछ इस तरह से अगेन ये पेटर्न दी गई है थोड़े से कट की। ब्लाउज की डिजाइन भी काफी अच्छी दी गई है, बैक साइड से इस तरह से बटन एंड अगेन थोड़ा सा डिप कट दिया गया है। ओवरऑल ये काफी प्रिटी लगता है बट इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा दुपट्टा नहीं मिलता है, सिर्फ क्रॉप टॉप एंड लहंगा कुछ इस तरह से इसका पूरा पैर है। आगे मूव ऑन करते हैं हमारी सेकंड लहंगा चोली के, उससे पहले आज के शाउट आउट कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे कमेंट की है मेधा सिंह ने, जो 3 वीक 2 गो उसने मुझे कमेंट की थी, नाइस कलेक्शन, इंस्टेंटली सब्सक्राइब योर चैनल। सो थैंक यू सो मच मेधा सिंह, वेलकम टू द याना पटेल फैमिली। एंड सेकेंड जो कमेंट है वो है नीति साधना, उन्होंने मुझे कमेंट की है कि दी आपका बैकग्राउंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सो थैंक यू सो मच। मेरा बैकग्राउंड बहुत सिंपल है एंड आप लोगों को बहुत पसंद आता है, बट थैंक यू सो मच। आप मेरी लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर करना एंड इन द केस यू आर न्यू ऑन माय चैनल, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना। तो मूव ऑन करते हैं हमारी लास्ट लहंगा चोली की और जो कुछ इस तरह की है, ब्लू कलर है अगेन, इसमें ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद आता है। पहली जो पार्ट वन में लहंगा चोली थी उसमें भी ब्लू कलर की मैंने आपके साथ शेयर की थी और अगेन ये ब्लू कलर है बट इसमें ब्लू एंड ब्रिज का कॉम्बिनेशन है। तो ये कुछ इस तरह की है और इसकी जो ब्रांड है वो है जूनीपर ब्रांड एंड आफ्टर डिस्काउंट इसकी जो प्राइस है वो है 1467 रुपीज। तो कुछ इस तरह की है ये और इसमें अगेन आपको फॉइल प्रिंट मिल जाती है और इसमें पीछे की साइड से इस तरह से इलास्टिक दिया गया है और फ्रंट में कुछ इस तरह से उसका बेल्ट दिया गया है। एक्चुअली में पूरा इलास्टिक नहीं दिया गया है, इसकी वजह से साइड में से इसे पहनने में इजी रहे उस हिसाब से इस तरह से हुक दिए गए हैं, तो इस तरह से इसका क्लोजर दिया गया है। फ्लेयर अगेन इसका काफी बढ़िया है और पूरे जो लहंगा है उसमें इस तरह से फॉइल प्रिंट दी गई है गोल्डन की। इसका लहंगा का जो फैब्रिक है वो है 8 सिल्क फैब्रिक एंड उसके इनसाइड हमें इस तरह से कैनकैन का लेयर मिल जाता है। पहले वाला जो लहंगा था उसमें कोई लेयर ही नहीं था इनसाइड में, और पार्ट वन में भी जो लहंगा मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें भी कोई लेयर, मतलब एक इनर था बट कैनकैन नहीं था।
इस लहंगा चोली का प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो हाफ पोर्शन है उसमें इस तरह से कैन मिल जाता है, जिससे इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा रहता है। और इनर का जो अस्तर है वो अगेन साटिन का अस्तर दिया गया है और ऊपर कैन का लेयर दिया गया है और कुछ इस तरह से इसका फ्लेयर है। और ये जो फॉइल प्रिंट है वो काफ़ी हैवी फॉइल प्रिंट दी गई है, जिससे ये ऐसा लगता है कि बहुत वर्क वाला हैवी लहंगा पहन लिया हो। इस तरह से इसका लुक देखा। इसका ब्लाउज यानी कि क्रॉप टॉप, इसमें दुपट्टा इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ब्लाउज यानी कि क्रॉप टॉप एंड लहंगा का ही पैर बना हुआ है। तो इसका क्रॉप टॉप कुछ इस तरह से है, ब्रीच कलर है, इसमें शॉर्ट स्लीव दी गई है और स्लीव के एंड में भी आपको इस तरह से वर्क दिया गया है। स्लीव्स में भी कुछ इस तरह से फ्लावर की वर्क दी गया है। अगेन नेक में भी कुछ इस तरह से वर्क दिया गया है और इसके बैक साइड में हमें जिप लॉक दिया गया है। ये पूरी जिप है वो ओपन होती है, कुछ इस तरह से है ये। इसके अंदर इसका जो फैब्रिक है वो भी आपको आर्ट सिल्क का फैब्रिक मिल जाता है और इनसाइड आपको कॉटन का इनर मिल जाता है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से मुझे ये लहंगा चोली बहुत ही पसंद आए, क्योंकि भले ही इसमें दुपट्टा इंक्लूड नहीं है बट आप चाहे तो कोई एक्स्ट्रा ब्लू कलर का दुपट्टा ले सकते हैं या फिर कोई सिल्क का बनारसी दुपट्टा भी आप ले सकते हैं। मैंने पार्ट वन में जो लहंगा चोली आपके साथ शेयर की थी उसके साथ जो दुपट्टा आया था, मैंने उसको इसके साथ पैरअप किया है, जो मेरे ट्राई ऑन पार्ट में आप देख सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा। तो दोनों लहंगा चोली में से मैं आपको ये सेकंड जो लहंगा चोली है वो लेने के लिए डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। पार्ट थ्री में मैं लेकर आ रही हूँ वेडिंग स्पेशल गाउन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंच सके। और उसके बाद जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और आज के वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या आपके सजेशन हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।